बीजेपी दरार जीवी है, लेकिन सबसे ज्यादा दरार तो इस वक्त विपक्षी इंडिया में ही दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, अनुराग भदौरिया जी इस पर जवाब देंगे, प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे, बाकी चार मेहमान और हैं उनको भी बोलने देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, दरार तो आपके वहां ज्यादा नहीं है क्या? देखिए आप, अनुराग भदौरिया बिल्कुल, आपका जो शीर्षक है आज बहुत अच्छा है, गदर 2024। उस गदर में भी इंडिया जीता था, सन्नी देओल के माध्यम से उन्होंने उस समय उन्होंने उखाड़ा था हेडपंप। यहां पे सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखाड़ी जाएगी, यहां भी इंडिया जीतेगा। वहां भी इंडिया जीता था, यहां भी इंडिया जीतेगा। 2023 में भी इंडिया गदर में जीता और 2024 में भी इंडिया जीतेगा, ये तय मान के चलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता ने तीन मुद्दे उठाए, परिवारवाद जो इनका मुद्दा रहता है, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण। परिवारवाद का आलम यह है कि इनके मतलब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि मेरे दल में आ जाओ तो आप परिवारवादी नहीं रहोगे, भ्रष्टाचारी भी नहीं रहोगे। जैसे शिवसेना इनके साथ आ गई, अब वो परिवारवाद नहीं रही। एनसीपी आ गई, वो भी परिवारवाद नहीं रही। अपना दल उत्तर प्रदेश में आ गई, अपना और निषाद पार्टी आ गई, राजभर जी आ गए, वो भी अब परिवारवाद से हट गए। चिराग पासवान अभी बोल रहे थे, वो भी इनके दल में आ गए, वो भी परिवारवाद में नहीं बचे। चौटाला जी की फैमिली आ गई सरकार उनके साथ हरियाणा में, वो भी परिवारवाद में नहीं। अकाली दल के साथ सरकार बना चुके हैं, शायद वो भी परिवारवाद में अब नहीं आएगी। पीडीपी के साथ भी ये सरकार बना चुके। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, फिर कहते हैं भ्रष्टाचारी अगर दूसरे दलों में है, भ्रष्टाचार कर आइए हम आपको मंत्री बना देंगे, आप भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। और तुष्टीकरण की बात करेंगे, हरियाणा में इनके यहां दंगे होते हैं, सरकार इनकी है, उस पर चुप्पी साथ जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार पे चिल्लाएंगे। तो इनका परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता से मतलब, सत्ता कहां मिलती हो वहीं ये दौड़े दौड़े चले जाएंगे। और अगर बीजेपी के अंदर में परिवारवाद देखेंगे तो कल्याण सिंह जी के आदरण बहु है, पोता भी है, पोता तक इनकी पार्टियों में, सोचो आप। सिंधिया की पूरी फैमिली ले, और अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये बोलो असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते राष्ट्र के मुद्दों पे। हम राष्ट्र के, क्योंकि इंडिया राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, महिला अत्याचार, इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्या मणिपुर में अभी पासवान जी बोल रहे थे, आपने पूछा मणिपुर में एक शब्द बोले? बिहार की घटना घटाएंगे लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे? जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हमारी भारत माता नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलेंगे? मणिपुर पर सदन में बयान दे चुके हैं अपने संविधान सभा सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 2024 में जीतेगा तो इंडिया ही। हां, और ये गदर 2024 को लेकर आप लोग खुश होंगे तो उधर एनडीए वाले आ जाएंगे कहने की सनी देओल तो बीजेपी के ही नेता हैं, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा। अरे बीजेपी के नेता बड़े हो, लेकिन इंडिया जीता ना, इंडिया जीता, कौन जीता हुआ? इंडिया जीता, इसलिए 2024 में भी इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो हेडपंप खड़ा गया था, यहाँ जड़ से उखड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो आप मानते कि नहीं जानते हैं? यहाँ जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, दोबारा जमीन नहीं पाएगी वो। अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी 2024 होने वाली है। हाँ, लेकिन अब 2019 भी मुझे याद आता है, आप लोगों की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया था, लेकिन वहां का रिजल्ट क्या हुआ? राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ गई हैं, तो फिर अब क्या होगा इस पर जरा दो लाइन में बोल लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाई, चित्रा जी आप भी जानती हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकती चूंकि अभी टीवी पे बैठे हैं आप। आपकी भी आत्मा कह रही होगी कि इंडिया ये जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करती है, हाँ, ये मुद्दों से भटकाने की बात करती है। सभी की अंतरात्मा की आवाज पहुंच रही है अनुराग भदौरिया जी आपके ऊपर, आप पर गजब हमारे ही, क्योंकि आप भी इंडिया में है ना, आप इंडिया के बाहर तो है नहीं, आप भी चाहेंगे इंडिया जीते, आप कब चाहेंगे इंडिया जीते? महाराष्ट्र यहाँ पर सुभद्रा त्रिपाठी पर नहीं, जिस पर डिबेट करने के लिए बैठे उसी पर रहते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, सीधे आपके पास जाते हुए, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? वहां पर भी दरार गहरी होती हुई चली जा रही है। बिल्कुल नहीं, पहले मैं मेरे पहले जो बात किए प्रवक्ता उनका जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी हीरो थे, 2019 में भी थे और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी हीरो बन के आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे नाम रखे, चोर, दलाल, डकैत। अरे 2014 में लोगों ने आपको उठा के क्यों फेंक दिया? क्योंकि कॉमनवेल्थ हो गया, आदर्श हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, कोयला हो गया, सबमरीन हो गया, हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया, तो लोगों ने देख लिया भाई कि कौन क्या कर रहा था, क्या व्यवहार कर रहा था, इसके लिए उठा के फेंक दिया। महाराष्ट्र में ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो बोल रहे हैं कि हम 48 सीट जीतेंगे। गए बार आप एक सीट जीते, उसके बाद दो सीट जीते, दो लोकसभा मिलकर 100 सीट नहीं क्या 90 सीट पार नहीं हुए, फिर भी बोल रहे हैं हमारी सरकार आने वाली है। यहाँ पर एनसीपी हमारे साथ आ गई, शिवसेना तो हम पहले ही 1987 से बीजेपी के ओल्डेस्ट एलाय है,
और अभी कांग्रेस से कितने फूटने वाले हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि लीडरशिप तो होना चाहिए ना कांग्रेस का। कांग्रेस का आपके साथ जमता नहीं, बीआरएस के साथ जमता नहीं, आम आदमी के पास साथ जमता नहीं, जेडीयू के साथ जमता नहीं, जेडीएस के साथ जमता नहीं, टीडीपी के साथ जमता नहीं, बीजेडी के साथ जमता नहीं। तो कांग्रेस सरकार में आ कैसे सकते हैं सुरेंद्र जी? आ नहीं सकती है। तो आप ये जो सत्य है ये मान लीजिए और चलिए, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लेके आएंगे, ठीक है, और शिवसेना बीजेपी और एनसीपी साथ में लड़ेगी और ताकत लेकिन से बार लड़ेगी। बार ये जो शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात होती है तो ये समझ से बाहर रहती हैं बातें कि कौन किस तरफ जा रहा है। इस सवाल को लेकर मैं अच्छा आपके जी, पास आऊंगी, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं पैदा करता है एनडीए में भी और इंडिया में भी? चाचा भतीजे जब आपस में मिलते हैं तो दोनों ही तरफ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। चित्रा जी, बड़ी अद्भुत बात है कि आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय अजीत दादा की जब मुलाकात होती है जी उस पर उंगली कौन उठाता है, सबसे ज्यादा उस पर शक कौन करता है? उनके साथी, जिनके साथ आदरणीय शरद पवार जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, एक बार नहीं उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मैं INDIA के साथ हूं और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन उनकी इस बात के ऊपर शक कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग। शक कौन कर रहा है? आदरणीय संजय राउत जी। शक कौन कर रहा है? बाकी के दूसरे उनके लोग। लेकिन आप देखिए कितना ये इस INDIA में कितना कंफ्यूजन है। वहीं अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं और अटल जी की समाधि पे वो पुष्प हाँ, अर्पित करते हैं, उस पे कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी एक संदेश दे रहे हैं, वो भी देश को और भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देकर गए क्या हैं। है संदेश उसमें? राजनीति राजनीति सकारात्मक संदेश दिया उन्होंने। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। जब हम आपके जो पुरोधा हैं, जो आपके महापुरुष हैं, जब उनको हम स्वीकार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा आप हमें मौका दीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। इसका स्पष्ट संदेश मैं तो यही मानता हूं। तो आप देखिए कि एनडीए के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति है कि हम एकजुट हैं, हम लगातार सारे लोग बैठकर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन भाई INDIA में आप देखिए कि जो उसकी कर्ता धर्ता है वो आके संदेश दे रहे हैं दिल्ली में, जो उनके जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर उंगली कौन उठा रहा है? उनके साथ ही उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी INDIA की स्थिति मैं नहीं समझता कि इस लायक भी है कि वो देश में चुनाव भी बेहतर तरीके से लड़ पाए। आप ठीक है देखिए सर। आप पार्टी क्या कर रही है, आदरणीय आप कल्पना करिए चित्रा जी कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने राजीव गांधी के भारत रत्न को वापस लेने की बात की थी, आज कांग्रेस उनके साथ बैठ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस प्रकार का जो ठीक है, कंफ्यूजन है, आज सवाल तक पूछ किसी लेती ने हूँ। नहीं कहा ऋतुराज जी कि हमारे इसके साथ लिए आम आदमी माफी पार्टी के मांगे प्रवक्ता अरविंद हैं। केजरीवाल जी। बहुत